ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ। ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਮੇ ਆਪ ਆਫਿਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਬ 5 ਜਥੇਦਾਰੋ ਕੀ ਬੈਠਕ ਥੀ ਤੋ ਆਪਕੋ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੋ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਥੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਥੇ, ਵੋ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਗਏ। ਵਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਥਾ ਜਾਣਾ, ਉਨਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਕੇ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਵੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੀਏ ਥੇ, ਫਿਰ ਹਮ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਅੰਦਰ। तो आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, आप गेट पे ही खड़े रहे और आप वहीं पर ही बैठ गए थे। नहीं, जब अंदर मीटिंग चल रही होगी तो बंदा दूसरा बाहर से कैसे अंदर जाएगा, आप बताए। लेकिन पूर्व सूचना तो थी नहीं। लेकिन जो बैठक हो रही थी, 5 तत्वों के जत्थेदार वहां पर मौजूद थे, उसमें आपका नाम था या नहीं था? नहीं नहीं, उसमें मेरा कोई नाम नहीं, उसमें किसी का भी कोई नाम नहीं था, मेरा भी कोई नाम। तो आपकी फिर बातचीत हुई श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से? उनके जो सहायक हैं जसपाल सिंह जी, उनसे मेरी बातचीत हुई और मैंने फिर अंदर दरबार पर मत्था टेकने जाना था, फिर मैं अंदर चला गया। तो अब आप पटना साहिब में किस तरीके से अपना जो जो पद है उसको किस तरीके से निभा रहे हैं? वो जो अभी कुछ थोड़ा सा वहाँ पर माहौल खराब है पटना साहिब में, कुछ सेवादार वगैरह धरना दिए हुए, इस तरह का माहौल है, ठीक हो जाएगा तो करेंगे, या जैसे गुरु करेगा वैसे हो जाएगा। तो वहाँ की जो संगत है या फिर जो सेवादार है वो आपके खिलाफ क्यों हो गए हैं? वो राजनीति है वहाँ की, कुछ लोगों की जो कमेटी तोड़ना चाहते हैं और जो पहले हैं, मेरे ख्याल से शायद जो इकबाल सिंह जी हैं, शायद उनको कुछ लोग लाना चाहते हैं, उसकी वजह से वहाँ सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं। तो पिछले दिनों जिस तरीके से 5 प्यारों ने जो आपके मतलब कि आपको पंथ से ये कहा जाता है कि छेक दिया और बहुत सारी जो चीजें हुई है पिछले दिनों, उसको कैसे देख रहे हो आप? देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहले भी जो इन्होंने कोई नियम की पालना नहीं की है, पहले तो वहां का हुक्मनामा है पटना साहिब का कि जथेदार को तलब ही नहीं किया जा सकता,
पांच प्यारों द्वारा। दूसरी बात यह है कि उनमें से दो प्यारों ने लिखकर दे दिया कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई दोष साबित नहीं हुआ, तो फिर कमेटी के पदाधिकारियों ने पत्र लिखकर सेवा शुरू करवा दी थी। उसके बाद में अब जो इन्होंने नया जो किया है वहां पर, उसमें जो पांच प्यारे, इन्होंने पांच बंदे खड़े कर दिए, पांच प्यारे वो नहीं है, क्योंकि अमरजीत सिंह जो है वो हमारे वहां सेवादार ग्रंथी है और जसवंत सिंह भी वहां सेवादार ग्रंथी है, वो अंदर नहीं जाते हैं, वो बाहर ही उनकी सेवा है, तो उनको पांच प्यारे के सेवा में लगने का कोई तखत साहब से कोई पत्र नहीं दिया गया, ना उनकी आगे पांच प्यारे कोई नियुक्ति हुई है। इसलिए मैं उनका पर्सनली विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि उन्होंने भी गुरमत की धज्जियां उड़ा दी है पूरी तरह से। कोई नियम, कोई गुरमत का कोई नियम, कोई गुरु साहब की मर्यादा का कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है पटना साहिब में। इतना ज्यादा ये परेशानी का सबब है कि यहाँ पूरी सिख कौम को इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करनी चाहिए। तो क्या अब इन सब मैंने बार बार सबूत मांगे हैं, लोगों ने सबूत मांगे हैं, अखबारों वालों ने सबूत मांगे हैं, कोई सबूत इनके पास होता तो देते ना। पहले देखिए जो आरोप लगाने वाला जो है अखौसी डॉक्टर जो है, वो पहले तो ये लिखकर दे रहा है, मैं आपको उसका लिखित भेज देता हूँ कि मैं किसी कमेटी के सामने समक्ष पेश नहीं होऊंगा, ये गुरमत मर्यादा का कहान है, ये हनन है, और तखत साहब ये कमेटी जो है रणजीत सिंह गौर ने और अवतार सिंह हित ने षड्यंत्र करके बनाई है, ये कमेटी के पास मैंने जाओ, 10 पॉइंट का उसने लेटर लिखा हुआ है। अब उसके बाद में उसने लिखा कि पटना साहिब में ही फैसला होगा, और उसके बाद में फिर पटना साहिब ने चलो कैसे फैसला, वो वहां पर भी गुरमत को नहीं देखा गया है, गुरमत के सिद्धांतों को नहीं देखा गया। अब फिर उसके बाद में वो उसने लिखकर दिया 12 सितंबर को, लेटर है मेरे पास उसका, कि उसने लिखा कि मैं किसी कमेटी के पास अब पेश नहीं होऊंगा और किसी फैसले की जरूरत नहीं है। तो कल वहां पर 28 तारीख को दिल्ली फिर क्या मुंह लेकर पेश हुआ, भले वो सवाल भी तो खड़ा है ना, लेकिन दुख की बात है कि ये सवाल खालसा पंथ को करना चाहिए, ये सारे सिख जथेबंदियों को करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन सर जिस तरीके से बात करें रंजीत जी कि जो कहा जा रहा है कि आपको बीजेपी का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपको सुरक्षा भी जो है वो मिली है, ऐसा भी आरोप लगते हैं। किसको सपोर्ट मिलता है? आपको किसका सपोर्ट मिलता है? किसका सपोर्ट मिलता है? कहा जाता है कि बीजेपी का आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता है, जिसकी वजह से सुरक्षा भी आपको दी गई है, ऐसे आरोप भी लगते हैं आपके ऊपर। ये बात ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, वहाँ सबसे पहले मुस्लिम फकीर आया था जिसका नाम भीखन शाह जी था, और उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने स्वयं पंडित शिवदास जी को श्री राम के रूप में दर्शन दिए हैं। वहाँ सब आते हैं, वहाँ कांग्रेस के भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, अकाली दल भी आता है, सारे वहाँ आते हैं। वहाँ हर बार जदयू के सीएम श्री नीतीश कुमार जी आकर इतनी सेवा करते हैं, तो ये क्या माना जाए कि किसी पार्टी की सपोर्ट है? ये तो गुरु महाराज की सपोर्ट है, गुरु महाराज के तखत का सम्मान है। जब तक मेरे भाग्य में सेवा लिखी है मैं करता रहूंगा, जब गुरु महाराज चाहेंगे किसी और को दे देंगे, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। ये तो आप बातें हैं। हाँ, जो मेरा है वो मेरा आखिरी सवाल ये है, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से ये विवाद जो है ये उठा हुआ है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो संगत है उसमें एक गलत मैसेज जो है वो जाता है? सारी दुनिया में बहुत गलत मैसेज जा रहा है, वहाँ के कुछ सतानक सिख है जो राजनीति कर रहे हैं, और वो उनका एक ही मोटो है कि किसी तरह से जिस पर आरोप लगाकर एक से ज्यादा शादियों के आरोप है, जिसका परिवार शराब बेचता है, शराब तस्कर है, उसको वापस लाने का ये चक्कर है, और ना कोई तनखैया का है। मेरा क्या कसूर था जो तनखैया कह दिया, और उसके बाद
सरदार इंद्रजीत सिंह जनरल सेक्रेटरी है और अभिषेक खनुजा है। ये पहली बार तखत पटना साहब में इतनी बड़ी धांधली हो रही है कि पदाधिकार उच्च पर आज तक किसी तखत का जत्थेदार तनखाइया नहीं हुआ सेवा काल के दौरान। तो पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, सिख कौन कहाँ है, बहुत नाम की जथेबंदियां हैं जी हमारी, ये जथेबंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं सच, इनको सच बोलना चाहिए, अगर सच का साथ नहीं देगा तो इस धरती के नक्शे से मिट जाएंगे हम लोग। अगर सच के सहारे संसार खड़ा है, सच के सहारे दुनिया खड़ी है, ना नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है सच है, दुनिया को पता है सच है, गुरु महाराज को पता है सच है, जो फैसला करने वाले लोग हैं उनको पता है सच ये है, कोई झूठ थोड़ी है। हमने तो कहा तुम धरने लगाकर बैठे हुए हो, तुम दो कदम बाबा बलदेव सिंह जी को बुला लो, पूछो उनको सबूत दिखा दो, क्या हम फोरेंसिक लैब में जांच करवा लेते हैं, इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अभी कोई भी सबूत दे मैं उसको जांच करवा लेता हूँ, अगर गलत है तो मैं दोषी हूँ, अगर सही है तो फिर वो दोषी है। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? वो मैं संगत के जो संगत चाहेगी, जो गुरु चाहेगा, जो खालसा पंथ चाहेगा, मुझे किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो खालसा पंथ चाहेगा वो उसको सजा देगा, मैं ले लूंगा। और जो खालसा पंथ को चाहिए कि इसमें आकर आगे आए और इसकी जांच हो, ये नहीं भी एक आदमी बोलता जा रहा है और आप चुपचाप वहाँ सो रहे हैं, कोई किस तरह से कोई किस तरह से। इसलिए अपनी जिम्मेवारियों को समझें, तखत पटना साहब गुरु खालसा पंथ का तखत है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। मेरे साथ कितने बाकी लोगों की जो है जैसे गैर सिखों की कितनी संस्थाएं, वो मुझे कह रहे हैं भाई हमारे पास आ जाओ, हम आपको सेवा कर देते हैं, हम आपको बड़ा बना देते हैं। मैं तो गुरु का सिख हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। दस दिए कि पटना साहिब गोल्ड स्कैम च फसे ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर खिलाफ जांच शुरू करदिया पटना साहिब कमेटी वालों उन्हां नूं सेवावां तों लांभे कर दिता गया सी। हालांकि बीते दिनी ज्ञानी गौहर वालों कमेटी दे जनरल सकत्तर दी चिट्ठी दा हवाला दिंदे होए मुड़ जथेदारी दी सेवा संभाल लई गई सी। बिना शक इस दौरान संगतां वालों उन्हां दा काफ़ी विरोध भी किया गया, इस दे बावजूद वह तख्त साहिब ते सेवावां निभाउण लगे। इस तों इलावा तख्त श्री पटना साहिब दे पंज प्यारियां वल्लों ज्ञानी गौहर नूं पंथ तों छेके जाण दे मुद्दे उत्ते ज्ञानी गौहर दा कहना है कि उन्हां नूं पंथ विचों छेकण दा अधिकार सिर्फ श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं है, ना कि पंज प्यारियां नूं। उन्हां ने जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब नूं अपील कीती कि उह इस मुद्दे दी जांच करवा के फैसला करन। दिल्ली तो कमल कुमार कांसल की रिपोर्ट, दर्शन टीवी।